वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण उन पर अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। प्रशांत भूषण दोषी करार दिए गए हैं। भूषण इज रिफ्यूज टू ऑफर एन अपोलॉजी, नॉट विलिंग टू अपोलॉजाइज। प्रशांत भूषण पर एक रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने उस मामले को लंबा खींचा और ऐसा लगा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया है। जुर्माना भरेंगे या फिर 3 महीने की जेल प्रेफर करेंगे प्रशांत भूषण? I propose to submit myself to this order and will respectfully pay the fine. इसकी नाव पर बैठे प्रशांत भूषण जी ने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देकर वो कहां पहुंचे? अगर मैंने और क्लोजली ऑब्जर्व किया होता अरविंद को तो ये मुझे और पहले समझ में आ जाना चाहिए था। ये अनस्क्रूपलस है, किसी भी तरह के मीन्स अडॉप्ट करने के लिए तैयार है अपने मकसद के लिए और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट है। अरविंद अपॉर्चुनिस्ट आदमी तो है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि किस तरह का अपॉर्चुनिस्ट है। महात्मा गांधी भी बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट थे, साउथ अफ्रीका से आए थे और जब उन्होंने देखा था कि भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन किसी मुकाम पर पहुंचने लायक नहीं लग रहा है, मुस्लिम लीग अलग जा रही है 1916 में हमने देखा, और खिलाफत आंदोलन को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को एक छत्र छाया में लाया। जब बात हिटलर के साथ लड़ाई की आई तो वो अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए, उन्होंने हिटलर का विरोध करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये मानवता के लिए भी बेटर डील रहेगी और उन्हें ये भी लगा कि इसके चलते भारत को आजादी मिल जाएगी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. कोई भी मुल्क तरक्की जब करता है, जब उसका निचला तबका बढ़ता है, और पढ़ाई पे जो फोकस करा अरविंद केजरीवाल ने, उससे हम उसके फैन हुए। हम गरीब तबके से आते हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते, उस आदमी ने हमारे यहाँ के स्कूल जो है प्राइवेट लेवल के बना दिए, तो मैं क्यों ना वोट दूं उसे? और अगर आज उसको वोट नहीं दिया ना, आज अगर वो हार गया हिंदू मुसलमान के नाम पे, तो कोई नेता कभी काम नहीं करेगा। प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते थे, अब गवर्नमेंट में भी उन्होंने इतना अच्छा योगदान दिया है कि आम आदमी सोच सकता है कि गवर्नमेंट में भी पढ़ा के उनका बच्चा आगे कुछ भविष्य में कुछ कर सकता है। सबके बच्चे ये बोल रहे कि केजरीवाल को वोट देना, स्कूल में पापा ये काम हो रहा है, मम्मी ये काम हो रहा है। और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के ऑपर्चुनिस्ट होने की वजह से आज 16 लाख बच्चे शानदार सरकारी स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं। के ऑपर्चुनिस्ट होने की वजह से आज दिल्ली की सभी औरतें बसों में मुफ्त में यात्रा कर पा रही हैं। ये अमीर लोग कह रहे हैं कि फ्री अच्छा नहीं लगता, गरीबों के दिल से पूछो ना, जो 6000 की नौकरी कर रही है और 20 रुपए अपने शाम को बचा लेती है और 20 रुपए का 1 किलो आटा खरीद के अपने बच्चों को खिला देती है, उसके दिल से पूछो ना।
ये मैं सोच रही हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है जो गरीब महिलाएं अपना जो भी आती जाती रहती हैं, किसी के पास पैसा है किसी के पास नहीं है, तो उनके लिए अच्छा ही है। बिजनेसमैन करोड़पति जो भी है उनको कोई दिक्कत नहीं होती, होती है गरीबों को दिक्कत। अभी आप घर घर जाओ ना, किसी का 0% आ रहा है बिजली का बिल, किसी का आ ही नहीं रहा, किसी का 100 रुपए का आ रहा है, किसी का 150 रुपए का आ रहा है, पहले आता था 1000 का, 1500 का, 2000 का। बिजली पानी अगर हम लोग पहले इन्हीं खर्चों में थे, आज अगर ये खर्चे हमारे फ्री हो जाते तो हम अच्छे बेटर अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए लग्जरी लाइफ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हर गरीब से गरीब इंसान जो है आपके मोहल्ला क्लिनिक में जाकर इलाज करवा सकता है। पहले क्या होता था, एक 10 पैसे वाली गोली मिलती थी हॉस्पिटल के अंदर, अभी 500 की भी अगर दवा है तो वो भी मिल रही है, और 5000 का भी अगर मरीज के लिए कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मिल रहा है। फिलहाल तो मैं खांसी की दवाई लेने आई हूँ, मेरी कमर में दर्द था, कैल्शियम की दवाई मिलती थी, मैं बहुत अच्छे से ठीक हो गई हूँ। मेरी मदर की एंजियोग्राफी होनी थी पंथ में, फ्री में हुई है मेरी। 14 दिन भैया हॉस्पिटल में एडमिट था, 1 रुपया नहीं लगा उसका, और आज हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में ऐसा सिस्टम नहीं है जो दिल्ली के अंदर में है। इससे पहले दिल्ली में किसी सरकार ने इस तरफ कुछ नहीं ध्यान दिया, डिस्पेंसरी होती थी, मेडिसिन नहीं होती थी, पेशेंट रेफर हो जाते थे, हमारे पास आके सारे पेशेंट खुश हैं। केजरीवाल एक साधारण आदमी है और आज भी उस पर कोई बदलाव नहीं आया, जैसा पहले था आज भी ऐसा ही है। केजरीवाल जैसा कोई नहीं है, बाकी सब बिकाऊ है। जनता के लिए सोच रहा है कि गलत सोच रहा है, अपनी जेब में तो नहीं डाल रहे ना वो। कोई तो टैक्स को जेब में डाल लेता है, कोई टैक्स पब्लिक के ऊपर ही खर्च कर देता है, केजरीवाल ने खर्च किया है। कोरोना वॉरियर हो या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी जो कि ड्यूटी पे अपनी शहादत देता है उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाता है दिल्ली सरकार द्वारा। ये अच्छा लगा कि दिल्ली से गवर्नमेंट ने हमें पहचाना, हमें रिकॉग्नाइज किया। जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी मेरे साथ के वर्कर हैं या दिल्ली के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सभी का सम्मान है। इतनी शिद्दत से मैं कर रहा हूं, मैं उससे ज्यादा अच्छी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। उसके अपॉर्चुनिस्ट होने की वजह से एशिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहां पे बन रहा है, तो ऐसा अपॉर्चुनिस्ट होना कहां तक गलत है। मैं अरविंद केजरीवाल संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आज अगर भारत को आगे बढ़ना है तो केवल एक ही तरीके से बढ़ सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी विज्ञान और इंजीनियरिंग के तरीके से आगे बढ़ सकता है। दोस्तों आधुनिक भारत बनेगा जब हर गांव के अंदर एक एक स्कूल बनाया जाएगा और शानदार स्कूल बनाया जाएगा, ये एक एक क्लासरूम मंदिर है दोस्तों। ये बच्चे बड़े होकर देश का विकास करेंगे, आधुनिक भारत की असली नींव ये है दोस्तों। आज दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनने जा रहे हैं, देश की तरक्की होगी जब एक एक गांव के अंदर एक एक मोहल्ला क्लिनिक बनेगा। आधुनिक भारत बनेगा जब देश के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट खुलेंगे, देश के अंदर कॉलेज खुलेंगे, अस्पताल बनेंगे, सड़कें बनेगी। दोस्तों हमारा सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा देश तकनीक के मामले में अमेरिका और जापान को भी पीछे छोड़ेगा। हमारे देश के लोग किसी से भी पीछे नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। ये देश सारे धर्मों से बना है, ये देश सारी जातियों से बना है,
इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। एक छुट भैया नेता के रूप में चल सकता है।